ये 6 नवंबर को एक लड़का है जिसका किडनैप कर लिया गया था और वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसके संबंध में उसको उसकी पिटाई करे हैं और उसको किडनैप करके उसको काफ़ी चोटें मार रखी हैं। जिस संबंध में एक्शन लेते हुए हमारे एसपी साहब ने इसके बारे में टीमें गठित की गई थी और उसको तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा गया था। इसी संबंध में ना हमारी सही टीम द्वारा 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, एक प्रियांशु एक रोहित है, जिसको सेक्टर 19 के एरिया से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जा से 1 पिस्तौल और 3 नाजायज कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने अन्य इस मुकदमे के अतिरिक्त जो 6 नवंबर का है उसके अतिरिक्त और भी खुलासे किए हैं, जिनमें दो तीन करीब दो मुकदमे हैं जो जिन्होंने लूटपाट के भी हैं, जो उन्होंने अपने शहर सिरसा के एरिया से किए गए हैं। तो अन्य उसके अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो सर कुछ समझ में आया कि क्या वजह थी, क्यों युवक का अपहरण किया गया, कैसे मारपीट की गई, क्योंकि ये इनकी आपसी रंजिश है, इनकी इनकी आपस की दुश्मनी है, जिसके संबंध में उन्होंने आपस में उसका किडनैप किया गया था। लेकिन इसे इन्होंने इससे मतलब सबसे बड़ी बात की सिरसा शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया था, जिस संबंध में एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीमें गठित की गई थी और जो हमारी सही टीम द्वारा आज ये बढ़िया कामयाबी हासिल की गई है कि दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके अन्य साथियों को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सर आपने बताया कि लूटपाट की भी वारदात उसने कबूल की है, तो कोई गिरोह बनता था सर, कोई गैंग चलाते थे क्या? हाँ, ये मिलकर मिलकर करते हैं, ये 3-4 लड़के हैं उसके, सारी उसमें चल रही है सिस्टम। हाँ जी, आज वो उसके संबंध में वो मुकदमा दर्ज है सिटी में, दोनों ने वीडियो वायरल की थी उसके संबंध में मुकदमा दर्ज है, उसमें भी प्रोडक्शन वार्ड जारी किए जाएंगे और अन्य जो इनके साथी हैं लूट में और उस मुकदमे में सब में उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर कोई फाइल वगैरह क्या है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है सर इनका? अभी इनका प्रीवियस रिकॉर्ड पुलिस चेक कर रही है, अभी इनको अरेस्ट किया गया।